जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बोले बाबा जी की जय। शंकर जी की जय। बोले बाबा जी की। हाँ जी हाँ जी, हमने ना ऐसे पता करना था, जैसे हम ना पंजाब से बोल रहे हैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, हम ना लास्ट ईयर 2019 में फर्स्ट टाइम अमरनाथ गए थे। हमारे डेट थी 9 जुलाई को। ठीक है जी। हम भगवती नगर से गए थे। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, 8 जुलाई को ना यात्रा हमारी गई नहीं थी, वो कोई बरसी थी बुरहान वानी की। हर साल होती है यार। हाँ जी, इसीलिए इस बार भी ना हमें डेट 9 जुलाई की मिली है बैंक से। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है। तो हमने 7 जुलाई को जैसे जम्मू पहुंचना है, 7 जुलाई को शाम को, इसलिए पूछ रहे कि फिर हम 8 जुलाई को ही पहुंचे जम्मू। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब भगवती नगर जाते हैं तो टिकते हैं आप वहीं जाके बुक करते हैं? थोड़ी मुझे जानकारी दीजिए भगवती नगर के बारे में ना, मुझे जानकारी है। हाँ जी सर, ऐसे थे, हमने फर्स्ट टाइम 19 में हमने भगवती नगर से टिकट बुक की थी बस। आप रेलवे स्टेशन पहुंचे जम्मू के? हाँ जी सर। किस दूर पड़ता है जम्मू के रेलवे स्टेशन से भगवती नगर? सर जम्मू से भगवती नगर यही कुछ 10-15 मिनट का डिस्टेंस है। हाँ, ऑटो से ना? हाँ जी हाँ। ऑटो भी जाते हैं, बस भी जाती है। हाँ जी, कितने भी लेते हैं ऑटो बस वालों? सर ऑटो वाले ने हमसे लिए थे अपना 20 और 25 के नियर अबाउट लिए थे। बहुत बढ़िया। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ आपका परमिट चेक हुआ होगा? हाँ जी सर। फिर आपको घुसने दिया अंदर? हाँ जी सर, हम भगवती नगर चले गए थे। हम सोने की व्यवस्था कैसी, कमरे थे वहाँ पे या हॉल थे? सर ऐसे उसमें वहाँ पे ना हॉल थे। हॉल में क्या था कि अगर एसी वाले हॉल थे और नॉन एसी वाले थे। अच्छा। और नॉन एसी वाले में जैसे 10 रुपए चार्ज लगते हैं, और हॉल वाले जो बेड देते हैं वो हमें गद्दा वगैरह वो 40 रुपए लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे रुके थे हम। और सुबह 2 मिनट, एक तो हॉल था एसी, एक था नॉन एसी। एसी वाले में 10 रुपए चार्ज था? नहीं, एसी वाले में सर वो ना गद्दे वगैरह देते हैं तो 40 रुपीज लेते हैं बस। टोटल 40 रुपीज में वो गद्दा और एसी रूम मिल जाएगा? हाँ जी हाँ, वो एसी हॉल है बड़ा सारा। अच्छा, उसमें तकिया मिलता है? उसमें तकिया मिलता है? गद्दा गद्दा मिलता है? गद्दा भी मिलता है, तकिया भी मिलता है सर। चद्दर मिलती है? हाँ जी। कंबल मिलता है? नहीं, इतनी वो नहीं होती, ठंड नहीं होती, गर्मी होती है। ठीक है, वो मिल गया आपको। तो एक हॉल में कितने लोग होते हैं? सर हॉल में बड़ा हॉल है, जैसे चार्ज वगैरह लगाना हो किसी को, गद्दे बिछाए होते हैं वहाँ पे, काफी बड़ा हॉल है। और वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है उनके हॉल की? वॉशरूम बिल्कुल सामने है, नजदीक ही है। अच्छे बने हुए। अच्छा, वॉशरूम अच्छे बने हैं, पानी पीने की सुविधा भी, कूलर वगैरह लगे हैं, वाटर वगैरह। हां जी सर, कुछ है सर, लंगर भी चलते हैं। लंगर भी चलते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे 40 रुपए देके गद्दा और वो मिल जाता है सोने के आराम से, है बढ़िया सुविधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सर। और कमरे मिलते हैं वहाँ पे? सर कमरे मिलते हैं, एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा, आपने वीडियो बनाई हुई वहाँ की? नहीं सर, हमने वीडियो तो नहीं कोई बनाई थी वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं देखूंगा किसी को भेज के ना। अच्छा, ये हो गया। और फिर बस की टिकट कैसे बुक की आपने वहाँ से? सर बस की ने जो अंदर टिकट जो सरकारी बस जाती है अंदर से, तो उसमें लाइन बहुत लंबी थी, तो एक्चुअली हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े थे। फिर ना हमने बाहर से अंदर की टिकट नियर अबाउट 400-450 रुपीज की थी, जो सरकारी बसें जाती है अंदर से। हाँ जी, तो हमने ना एक बाहर से बस की टिकट ली थी 650 रुपीज की। अच्छा, वो भी वो बसें बाहर से भी जाती है? हाँ, वो जो बाहर से बसें जाती है ना वो अंदर लग जाती है सुबह। अच्छा, 1:30-2 बजे, तो वो फिर कॉन्वॉय के साथ इकट्ठी निकलती है। तो टिकट किस टाइम ली आपने? है जी, टिकट किस टाइम ली थी आपने? क्या थी सर? टिकट किस टाइम ली? टिकट का सर? हाँ, बस वालों ने उसी टाइम हमें सीट की टिकट बना के दे दी थी। कितने बजे? शाम को? शाम को ले ली थी आपने? सर हमने ली थी शाम को नियर अबाउट 7 PM के नजदीक। अच्छा, और फिर सुबह आप सुबह वहाँ पे आपको रुक लिया फिर? हाँ जी, सुबह फिर 8 जुलाई को यात्रा गई नहीं थी, तो हम लोग फिर शिवखोड़ी चले गए थे भोले बाबा जी के। अच्छा, 8 जुलाई को। और बाकी वही टिकट फिर 9 जुलाई को काम आ गई आपके? हाँ, फिर 9 जुलाई को काम कॉन्वे कितने में निकलती है? सर कॉन्वे निकल गई थी सर 5 बजे। 5 बजे अंधेरे में? हाँ जी, 5 और 5:15 के बीच निकल गई थी। और बालटाल कितने? फिर पहलगाम कितने छोड़ा आपको? सर पहलगाम हम पहुंच गए थे शाम को, जब पहलगाम हम पहुंचे थे तो नियर अबाउट 5 और 6 o'clock के बीच में पहुंच गए थे। हाँ जी, काफी जगह रुकते हुए जाती है भंडारे भंडारों में?
सर एक तो भंडारे में रुकी थी और बीच में जाम था, जैसे कोई पत्थर वगैरह था गिरा हुआ था, तो अच्छा उसकी अच्छा वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था। एक जब कश्मीर को एंटर होते हैं ना, उस वहां पे बसें रोक ली थी, हाँ तो हाँ फिर शिप के बाद चलते ना, फिर सभी इकट्ठी हुई तो फिर वहां से निकले थे देखिए मेरी बात फिर। सुनिए, मेरी हाँ बात जी सुनिए ना, तो हाँ जी बहुत सर, अच्छी जानकारी दी आपने मेरे को, भी काम आएगी आगे ना, हाँ मैं जी कभी वहां सर, से नहीं गया। अच्छा हाँ जी अब सर, ये है कि जो वहां पे भर्ती होती है ना बुरहान आवानी की, हाँ जी सर, वो इस साल भी होगी, पर जहां तक ओके मेरा सर, ख्याल है इस बार फर्क नहीं पड़ेगा यात्रा में बिल्कुल, क्योंकि ओके सर, इस बार 370 भी अट चुकी है हाँ जी सर, ऊपर से, मोदी जी ने आपको पता है कि हालत कर रखी हाँ है। वही पूछ रहे हैं 370 के हटने इस बार के। पता नहीं बस्ती वो बनाएंगे, बनेगी वहां पे नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी है, लेकिन वो ओके शांतिपूर्वक ही बनेगी, शायद यात्रा में फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब क्योंकि से। जहां से नहीं यात्रा गई थी तो वो बालटाल और पहलगाम से, वहां से तो उन्होंने छोड़ी थी यात्रा, तो एक्चुअली वही होता तो। क्या ना, हाँ जी सर, देखिए गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी श्री अमरनाथ यात्रा की ना, हाँ जी सर, हाँ भले जी ही दो सर, 3 लाख लोग दर्शन करें, पर हाँ जी करोड़ों सर, अरबों का खर्चा होता है इस यात्रा में, हाँ जी जितनी सर, आर्मी को, क्योंकि एक यात्री को भी पत्थर लगना या एक यात्री के ऊपर भी कोई हादसा होना ना, हाँ बहुत जी बड़ा सर, मुद्दा बन जाता है। अमरनाथ जी यात्रा अपने आप में शुरू से हाँ एक जी सर, मतलब फेमस यात्रा हो गई है, ठीक है। हाँ तो जी सर, आप ये मान के चलिए जब भी गवर्नमेंट को लगता है या आर्मी को लगता है कि आशंका है कोई दिक्कत आएगी, कई हाँ जी बार ना सर, ये तो एक कारण है, कई हाँ बार जी ऐसा भी सर, होता है कि यात्रा फंस गई ऊपर, बारिश हो गई तेज, हाँ जी यात्री सर, फंस गए। अब बालटाल में सपोज करो 10,000 यात्री हैं, हाँ जी तो सर, पहला पहला टारगेट होता है कि उन यात्रियों को निकाला जाए, फिर जम्मू से यात्रा छोड़ी जाए। हाँ जी सर, इसीलिए अब सही तो बात है, रामबन में भी एक बना दिया आपका यात्री हाँ निवास, ताकि हाँ जी यात्रियों को सर, बीच बीच में रोक लिया जाए, ताकि पता चला यार सारे वहां जाके क्या करेंगे, जो हाँ पहले गए वो होंगे तो अब है भी सर, फंसे हुए बेचारे है ना, और हाँ दर्शन जी करने के सर, बाद तो वैसे भी आदमी की सोच चेंज हो जाती है कि फटाफट अपने घर पहुंचो, जो जो मर्जी होगा देखी जाएगी, घर जाना है ना, हाँ जी सर। तो वो वाली बात होती है। तो इस बार कोई सर बात नहीं, एक तो बात और थी, जैसे हम 7 जन थे हाँ और हम 4 जनों को तो परमिट 9 तारीख का मिला है, जी, तो और 3 को मिला सर 10 तारीख का, 10 जुलाई का, आप 10 को यात्रा कर पाओगे सारे इकट्ठे? है ना, 10 10 को कर पाएंगे ना। हाँ 10 को कर पाएंगे, पहले ही जान लेंगे आप। हाँ जी, क्योंकि पहले ना हमने रजिस्ट्रेशन भी वहीं से करवाया था, मेडिकल भी वहीं से ऑन द स्पॉट अच्छा सर। अच्छा भगवती नगर से ही? वहां पे ना एक वैष्णवी धाम है, अच्छा, तो वो नजदीक है स्टेशन के, 5 मिनट का ही रास्ता है, वहां से मेडिकल करवाया मेडिकल था होता है वहां पे? मेडिकल में क्या क्या होता है वहां पे? सर। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने ओनली हमारा ब्लड ग्रुप पूछा था, अच्छा तो जो फॉर्म हमने भरा था उन्होंने ब्लड ग्रुप पूछ के, उन्होंने डॉक्टर ने स्टैम्प और साइन कर और दिए परमिट थे। बना दिया फटाफट, हाँ फटाफट, और पहलगाम का हमने परमिट ले लिया था तो लाइन जिस में। डेट का परमिट मांगो उस डेट का परमिट आसानी से मिल जाता है वहां पे। हाँ नहीं सर, जैसे हम 7 को गए थे ना, तो हाँ 7 को हम दोपहर के समय 2:30 3 बजे वहां पे वैष्णवी धाम पहुंचे थे, तो हमको 9 तारीख का परमिट मिल गया था। हाँ बोले 2 दिन का बाद मिल जाता है ना, हाँ जी, क्योंकि चलो। 8 को हम वहां पे पहुंचते, 9 को यात्रा और होती। यात्रा बढ़िया रही थी आपकी 2019 में? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रही थी पहलगाम। हम पहले दिन हम पोष पत्री रुके थे, हाँ पहले दिन पोष पत्री वाले दिल्ली वाले के भंडारे में? जी दिल्ली दिल्ली वाले, हमने निकल गए थे वहां से शेषनाग से, हम हाँ कहीं हाँ नहीं रुके थे। शेषनाग में ऐसे होता है 1:30 2 बजे वो रोक लेते हैं, तो हाँ हाँ 3 बजे का जाने देते हैं। हाँ हाँ जी हमने सुबह ही यात्रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दी थी, जब भी गेट तो पोष खुले पत्री थे वाले भंडारे में यात्रियों की व्यवस्था होती है? सर। हाँ जी, वहां पे भोजपत्री में क्या था, भंडारे में बहुत व्यवस्था है, 2 कंबल मिलते हैं और अच्छा पिल्लो वगैरह पूरी वो मिलती है वहां पे अच्छा सोने के लिए, पूरी व्यवस्था है वहां पे। पोषपत्री भंडारे में यात्री हाँ जी काफी रुकते हाँ, हैं पोषपत्री में तो? हाँ जी हम वहीं पे रुके थे, और वो फिर शाम को 7 7:30 बजे फिर आवाज लगाते हैं, लंगर तैयार हो जाता है ना, अच्छा, तो हम भी जिन भी भक्तों ने लंगर करना है वो कर सकते हैं वहां पे, जो तो हम बेचारा फंस भोजपत्री जाए रुके बीच थे। में वो रुक जाए वहां पे है ना। चलो हाँ जी हाँ, वो भोजपत्री में रुके थे हम लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो हाँ जी पैसे सर, वैसे लेते रुकने के फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं सर फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, बहुत बढ़िया, जैसे लाइक पैसे लो जैसे तो ऐसे पैसे। ना 50 रुपीज, पता नहीं 100 रुपीज वो बरवाते हैं, तो जब आप गद्दे और कंबल वापिस करते हैं तो वो वापिस दे देते हैं। चलो ये भी अच्छा है, बेचारे किसी यात्री के पास ना हो तो उस भंडारे में रुक जाए, मतलब शेषनाग में रुकते हैं सीधा वहां रुक जाता है ना, ये भी हाँ अच्छा। जी सर, हम पोषपत्री में रुके थे, क्योंकि गणेश टॉप पे एक तो ऑक्सीजन की कमी बहुत थी वहां पे, एक हाँ स्नो बहुत थी वहां पे। चलो बहुत हाँ बढ़िया जी यार बहुत बढ़िया। हाँ जी, बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।